फोन किसने किया था? सर मैंने फोन किया सर आपको सर। क्या हुआ था क्या? सर तीन दिन से मैं तो घर का दरवाजा निकला सर। और सर अब तो बहुत बदबू भी आने लगी है सर। साहिल कुछ तो गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ दो। अभी इसे गला दबा के मारा गया। गले को किसी मोटी रस्सी या बेल्ट से दबा के मारा गया। हाँ सही, लेकिन घर में ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आ रही जिससे ये पता चले कि आखिर घर में हुआ क्या। एनीवेज बाहर चलकर पड़ोसियों से पूछताछ कर। ये मधुसूदन जी अकेले रहते थे? उनका एक बेटा है और वो यूएस में। इसका मतलब ये कि ये मधुसूदन मेहता अपना सारा काम खुद अकेले ही करते थे? नहीं सर, उन्होंने काम के लिए एक बाई रखी है जिसका नाम शोभा है, और शोभा पिछले 7 साल से मेहता जी के यहाँ सफाई और रसोई का काम करती है। अच्छा, ये मधुसूदन मेहता का किसी के साथ कोई झगड़ा या फिर किसी तरह की कोई दुश्मनी? हाँ साहब, स्वाति और मल्हार के बीच काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था। झगड़ा? किस बात का झगड़ा? साहब, स्वाति और मल्हार 2 साल से अलग रह रहे थे। मल्हार बार बार शराब पीकर आता था और स्वाति से झगड़ा करता। उन दोनों में कोई फ्लैट को लेकर झगड़ा चल रहा था। और ये मल्हार आखिरी बार कब आया था? 3 दिन पहले मैंने शोभा काम वाली बाई को देखा था, मगर 3 दिन से अब वो भी लापता है। अच्छा, मधुसूदन जी के किसी दोस्त या रिश्तेदार के बारे में आप कुछ जानते? नहीं, इस बारे में तो कोई पता नहीं सर। पर हाँ, पिछले 15 दिन से मेहता साहब बहुत खुश थे, और 4 दिन पहले उन्होंने सभी को मिठाई भी बंटवाई थी। हमने सोचा शायद उनके परिवार में कोई शुभ घटना घटी होगी, हमारे पूछने पर भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया सर। हेलो, क्या एक और खून? ओके शाना, तुम इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो, मैं वहां पहुंचता हूं। ओके। We'll be right back.
लोगों में से कोई इस हत्या के बारे में जानता है? किसी ने कुछ देखा? हाँ साहब, मेरा ही चाय का स्टॉल सामने बाहर है। दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक डॉक्टर साहब अंदर ही आराम करते हैं, और 5 बजे मैं चाय लेके डॉक्टर साहब के लिए जाता था, और आज भी मैं चाय लेके जा रहा था और मैंने देखा कि डॉक्टर साहब यहाँ इस हालत में पड़े हुए थे, और फिर मैंने सबको बुलाया। तो तुम्हें तो पता होगा कि 2:30 से 5 के बीच में यहाँ कौन आया था? हाँ साहब, वैसे डॉक्टर साहब तो बहुत भले आदमी थे। एक दो पेशेंट आ जाते थे 2:30 से 5 के बीच में, तो डॉक्टर साहब उन्हें मना नहीं करते थे। पर आज साहब कहना मुश्किल है, क्योंकि 2:30 से 4 बजे तक मेरा बाकड़ा बंद था, BMC की गाड़ी आने वाली थी, इसलिए। इसका मतलब कत्ल 2:30 से 4 के बीच में। उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या झगड़ा? साहब, डॉक्टर साहब के पीछे एक लड़की पड़ी हुई थी, और अक्सर डॉक्टर साहब के पास आके झगड़ा करती रहती थी। झगड़ा? किस बात का झगड़ा? और कौन थी वो लड़की? साहब, रेशमा है वो, सपना बिल्डिंग में ही रहती है। हाँ, डॉक्टर साहब वो लड़की का इलाज जरूर करते थे, पर लड़की डॉक्टर साहब के साथ शादी करना चाहती थी। और हाँ साहब, वो लड़की ने इसी जगह पर अपने हाथ की नस काटने की भी कोशिश की थी। तो क्या डॉक्टर साहब उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे? डॉक्टर साहब वो लड़की की वजह से काफी परेशान रहते थे, और हाँ, पिछले 15 दिनों से डॉक्टर साहब काफी खुश भी लग रहे थे, पर 3-4 दिनों से वो लड़की आसपास कहीं नजर नहीं आई। तीनों की मौत की एक ही वजह है, तीनों को चमड़े की बेल्ट से गला दबाकर मारा गया। लेकिन चीफ, ये तीनों लोग मुंबई के ठीक 3 अलग अलग इलाकों में रहते हैं, और इन तीनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। फिर भी इनके मरने का तरीका ठीक एक जैसा, और कातिल का ने मारने का तरीका भी ठीक एक जैसा। कुछ समझ में नहीं आया जी। एक और बात है चीफ, इन तीनों के बीच एक और बात कॉमन है, ये तीनों अपनी अपनी जिंदगी में एकदम अकेले थे, और पिछले 15 दिनों से ये तीनों ही बहुत खुश थे। हाँ अभी, लेकिन इस बात के अलावा हमारे पास और कोई ऐसी खास कड़ी नहीं है जो इस ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री को एक साथ जोड़ सके। नहीं जाना, हर घटना अपने साथ एक परछाई लेकर आती है। मधुसूदन मेहता की काम वाली शोभा, स्वाति का पति मल्हार, और वो लड़की रेशमा की परछाई में मुझे उम्मीद की एक रोशनी नजर आ रही है। वही, रुक जाना, आगे मत बढ़ना। मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। मैं मर जाना चाहती हूँ। 17 दिन के बिना मुझे लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कहती हूँ रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, रुक जाओ, वही रुक जाओ। मैं कहती हूँ वही रुक जाओ, वरना मैं अपना नस काट दूंगी, मैं अपना नस काट दूंगी। रेशमा देखो, ये पागलपन मत करो। मैं कहती हूँ चाकू वहां फेंक दो। मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ तुमसे पूछताछ करने आई हूँ। मेरी बात सुनो रेशमा। रेशमा नहीं, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं जानती हूँ आप सब लोग मुझे सलाउद्दीन का कातिल समझ रहे हैं, इसीलिए तो मैंने अपने आप को यहाँ अकेला बंद करके रखा इस कमरे में। रेशमा देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे जो कहना चाह रही हूँ मेरी बात तो सुनो रेशमा। नहीं नहीं, पर कोई नहीं जानता कि मैं सलाउद्दीन से कितना प्यार करती थी। आपको क्या मालूम, मैं सलाउद्दीन से बहुत प्यार करती थी। मैं भरोसे कैसे मार सकती हूँ? रेशमा ये चाकू देखो। Thank you.
पूरा यकीन था कि जिस फ्लैट को लेकर तुम अपनी पत्नी स्वाति के साथ झगड़ा किया करते थे, उसके मरने के बाद तुम उसके कागजात लेने यहां जरूर आओगे। तो इसमें गलत क्या है? यह फ्लैट मैंने अपने पैसों से खरीदा था, पर मैंने यह गलती कर दी थी कि यह फ्लैट स्वाति के नाम खरीदा, क्योंकि तब वो सती सावित्री थी। फ्लैट के मिलते ही वो बात बात पे मुझसे झगड़ने लगी और हम दोनों अलग हो गए, और उसने मुझे फ्लैट देने से इनकार कर दिया। और इसीलिए तुमने उसे मार दिया? तुम दोनों के पास कत्ल की पुख्ता वजह थी, इसीलिए अब सब कुछ सच सच बता दो। बताओ। मैं सच बता रही हूं, मैंने सलाउद्दीन को नहीं मारा। मैं तो उसके प्यार में मरना चाहती थी, फिर मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? लेकिन एक बार तुमने खुद सबके सामने ये बात कही थी कि या तो तुम सलाउद्दीन की जान ले लोगी या फिर अपनी जान दे दोगी। हाँ, लेकिन उसने बात ही ऐसी की थी। मरने के एक दिन पहले उसने मुझसे कहा था कि मैं उससे मुंह मांगी रकम लेकर चली जाऊं, उससे कहीं दूर चली जाऊं। उसने तो मुझे 2,00,000 रुपए भी ऑफर किए थे और कहा था कि बहुत जल्द उसके पास ढेर सारे पैसे आने वाले हैं। उसने मेरे प्यार को बिकाऊ समझा, इसलिए गुस्से में आकर मैंने ऐसा कह दिया था। लेकिन उस दिन के बाद मैं उसे कभी मिली ही नहीं। मल्हार, अब तुम बताओ कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा? साहब, मैंने स्वाति को नहीं मारा, उसे हमारी बेटी का कब्जा चाहिए था और मुझे मेरा फ्लैट। उसने 15 दिन पहले मुझे बताया था कि उसके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं और उस पैसे से हमारी बेटी की परवरिश भी करेगी। मैं स्वाति से बहुत प्यार करता था, वो मुझे मेरी शराब की आदत की वजह से छोड़ गई थी। चीफ, ये मधुसूदन जी के यहां पर काम करती थी, आज अपने गांव भागने की कोशिश कर रही थी, मैंने इसे एसटी से पकड़ा। नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बताओ कि सच क्या है? मैंने मेहता साहब से 5 साल पहले 50,000 का लोन लिया था साहब, और गए 15 दिन से वो मुझे पैसे वापस मांग रहे थे और कह रहे थे कि मुझे वो पैसा किसी धंधे में लगाना है। उन्होंने मुझे 15 दिन की मोहलत भी दी थी, मगर मैं वो पैसा लौटा नहीं सकी साहब, इसलिए मैंने 4 दिन पहले से काम पे जाना बंद कर दिया था। और फिर मुझे पता चला कि उनके खून के बारे में मुझे फंसाया जा रहा है, इसलिए मैं डर गई साहब। मैं सच कहती हूँ साहब, मैंने कोई खून नहीं किया। इन तीनों की बात से एक बात तो साफ हो रही कि उन तीनों मरने वालों के पास कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा पैसा आने वाला था, लेकिन आखिर कहां से आने वाला था इतना सारा पैसा? कौन देने वाला था ये पैसा? जरूर इनका किसी ना किसी के साथ कोई सौदा तो हुआ ही होगा। अभी एक काम करते हैं, इन तीनों के मोबाइल रिकॉर्ड चेक करो, हमें जरूर पता चल जाएगा कि आखिर वो सौदागर है कौन। चीफ, उन तीनों के मोबाइल रिकॉर्ड में एक एक नंबर ऐसा है जिस पर बहुत लंबी लंबी बातें हुई हैं। हाँ, लेकिन
उस नंबर से कभी भी इनकमिंग कॉल नहीं है। हर बार उन नंबर से सामने से कॉल किया गया। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, इस वक्त ये तीनों नंबर बंद होंगे। राइट चीफ, एक और खास बात है चीफ, मधुसूदन जी के मोबाइल में हमें ये एसएमएस मिला है। यू हैव वन 5 लाख पाउंड्स, कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर टू कलेक्ट योर प्राइज मनी। एक मिनट एक मिनट, ये देखिए जी, ऐसा ही सेम एसएमएस स्वाति के मैसेज बॉक्स में भी है। साहिल, तुम फौरन डॉक्टर सलाउद्दीन का फोन रिकॉर्ड चेक करो, मुझे पूरा यकीन है उनके मैसेज बॉक्स से भी बिल्कुल ऐसा ही मैसेज मिलेगा। मैं वही देख रहा था चीफ, लेकिन वहां पर इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है चीफ? ये देखिए, डॉक्टर के फोन में एसएमएस तो नहीं है, लेकिन उसके ईमेल आईडी में एक ईमेल आया है। शाने, काम करो, किसी साइबर एक्सपर्ट की मदद लेकर इस ईमेल आईडी का आईपी एड्रेस पता करो फौरन। यस जी। जी, जिस नंबर से मधुसूदन जी को एसएमएस आया था वो नंबर अभी अभी चालू है। स्वाति को भी जिस नंबर से मैसेज आया था वो भी चालू हो गया। तो फिर सोचना क्या, उठाओ उन दोनों को। चल लिए, अब रुक जाओ वरना थक जाओगे। हेलो, who's that? कौन बोल रहा है? बहुत खेल खेल लिया मिस्टर नमन श्रॉफ, अब यहीं रुक जाइए। ये क्या मजाक है, और कौन है आप? मैं अभिनव हूँ कमांड फोर्स से। कमांड फोर्स? मगर बात क्या है ऑफिसर? तुम्हें सब कुछ मालूम है और तुम उल्टा मुझसे पूछ रही हो। देखो, आखिरी बार कह रहा हूं, सच बोलो, बिल्कुल सच। और जैकपॉट वाला एसएमएस मधुसूदन मेहता को क्यों भेजा था? जैकपॉट? मधुसूदन मेहता? ये सब क्या पूछ रहे हैं आप मुझसे? ओ, तो तुम ऐसे नहीं मानो। ये देखो, ये है मधुसूदन मेहता का मोबाइल और वो ये मैसेज देखो और पढ़ो कि किस नंबर से ये एसएमएस भेजा गया है। ओह नो, ये तो मेरा नंबर है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो किसी को ऐसा एसएमएस नहीं भेजा, मैं सच कह रही हूं। तुम्हारे नंबर से अगर ये एसएमएस तुमने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? मुझे याद आया ऑफिसर, एक महीने पहले मैं जब लल्लूभाई पार्क में बैठकर अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। हेलो, भाई साहब, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है। भाई साहब, आप अगर फोन दे तो मैं एक फोन कर लूं, प्लीज भाई साहब। ठीक है, ये लो, कर लो फोन। थैंक यू भाई साहब।
भाई साहब फोन तो नहीं लग रहा, एक एसएमएस कर लो। ठीक है कर लीजिए। अच्छी तरह से याद है ऑफिसर, उस आदमी की उंगलियां मोबाइल के कीबोर्ड पे बहुत तेज चल रही थी। ये एसएमएस शायद उसी ने भेजा होगा। और उसके जाने के बाद मैंने मैसेज बॉक्स भी चेक किया था, मगर वो मैसेज उसमें नहीं था, शायद उसने डिलीट कर दिया था। मैं उसका चेहरा याद है। मुझे उस औरत का चेहरा अच्छी तरह से याद है। जब मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए गई थी तब भाई सब जरा ये मोबाइल देखे। वाओ नाइस फोन, क्या मैं एक बार इसे देख सकती हूँ? या श्योर, पर जरा जल्दी, मुझे इनको रिपेयर के लिए देना है ना, इसलिए। मैं इसका कीबोर्ड यूज कर सकती हूँ, बहुत ही स्मूथ बटन है। मुझे पक्का यकीन है सर, मेरे मोबाइल से स्वाति को वो चेकपॉट वाला एसएमएस उसी औरत ने ही भेजा होगा। मानसी, क्या तुम उस औरत का स्केच बनवा सकती हो? इन दोनों का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं। जिस इलाके में खून हुए हैं उन इलाकों में भी इन दोनों को किसी ने देखा नहीं। इसका मतलब साफ है कि यह काम सिर्फ और सिर्फ दो लोगों का नहीं, लोगों को लॉटरी का लालच देकर लपेटने वाले सिर्फ दो नहीं, एक पूरा गिरोह है। चीफ, मैंने उस साइबर कैफे का पता लगा लिया है जहां से डॉक्टर को ईमेल गया था। वहां पर सीसीटीवी तो था, लेकिन मुजरिम इतना शातिर था कि उसने अपने चेहरे को कैप से कवर कर लिया ताकि वो अपनी पहचान छुपा सके। कहीं ऐसा तो नहीं चीफ कि ये लोग अपना हुलिया बदल कर काम कर रहे हैं? हाँ चीफ, पूरे शहर में इन दोनों को तलाश कर लिया लेकिन दोनों का एक भी सुराग नहीं मिला। हाँ लेकिन ऐसे में हम उस गिरोह तक पहुंचेंगे कैसे? शाना, इस बार हमें कोई अनोखा खेल खेलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हमारा पाला किसी एक से नहीं पड़ा है, हमारा पाला पड़ा है अनेक से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त कम होस्ट रूबी, और आज मैं लाई हूं आपके लिए रातों रात अमीर बनने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला हमारे इस जंबो जैकपॉट प्रोग्राम में। अब आपको किसी भी नकली ईमेल या फिर गुमनाम एसएमएस के मायाजाल में नहीं फंसना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? एक्चुअली यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको देना है बहुत ही आसान से सवाल का आसान सा जवाब, और फिर पूरे हो जाएंगे आपके सारे ख्वाब। तो उठाइए अपना मोबाइल फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर और सुनिए अपना सवाल। अभी साहिल, अगर आज इस प्रोग्राम के जरिए हमारा तीर निशाने पर लगा तो हम उस गिरोह की तह तक जरूर पहुंचाएंगे। इस प्रोग्राम में हमने यहां का ऑफिस का नंबर दिया है, तैयार हो जाओ, फोन की घंटियां बजनी अभी शुरू हो जाएंगी। कैसी है विमला ताई? हाँ, पैसा तैयार? ओ, तुम हो? मुझे नहीं देने कोई पैसे वैसे, जितना देना था दे चुकी, और अब मुझे पता चल गया है कि तुम सब लोग जैकपॉट के नकली एसएमएस भेजकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। क्या ताई, तू पागल हो गई है क्या?
तेरे हाथ में $50,00,000 का इनाम लगा है और तू क्या बोलती है? तू बोलती है तू लेना नहीं चाहती। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे $5,00,000, समझे? मैं आप जंबो जैकपॉट में सवाल जवाब देकर पैसा कमा लूंगी। मुझे मेरा $50,000 लौटा दो वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। ए बुढ़िया, पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। तुझे मालूम नहीं है इस खेल में लोग आ तो जाते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन फिर पीछे मुड़ के नहीं जा पाते, समझी? तो इतना बोल रहा हूँ उतना ध्यान से सुन। मुझे शायद मालूम नहीं है कि इस खेल में एक बार अगर खिलाड़ी मैदान में उतर गया तो वो वापस मुड़कर नहीं जा सकता। अगर जान प्यारी है तो जो बैंक अकाउंट नंबर मैंने तुझे दिया है ना, सीधे से पैसे दे। आया समझ में? याद रखना, फोन नहीं करूंगा मैं दोबारा। देखिए, ये प्रोग्राम आप लोगों को आगाह करने के लिए किया गया है। अगर आपको ऐसा कोई भी SMS या ईमेल आता है जिसमें लाखों डॉलर्स या फिर पाउंड जीतने की बात हो तो उसे इग्नोर कीजिए। ऐसे किसी भी SMS या ईमेल के जवाब में अपना कोई भी बैंक अकाउंट नंबर या कोई भी ऐसी डिटेल मत दीजिए। अगर बात बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हमें इसी नंबर पर फोन करके इन्फॉर्म कीजिए। मतलब आपको भी $5,00,000 का बम्पर जैकपॉट का SMS आया और आपने ₹50,000 भी दे दिए हैं। क्या आपको मारने की धमकी भी दी गई है? एक मिनट, आप मुझे अपना नाम और पता बताइए। विमला पाटिल, 205 शास्त्री नगर, पांडुप। देखिए, आप बिल्कुल घबराइए मत। आपको जिसने भी मारने की धमकी दी है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। आप उस आदमी को आज ही अपने घर बुलाइए पैसे देने के लिए, बाकी सब कुछ हम संभालेंगे। जी, अभी कोई विमला पाटिल का फोन था, वो भी ये जैकपॉट के SMS चक्कर में फंसी है। उन्हें भी मारने की धमकी दी गई और आज वो आदमी पैसे लेने उनके घर जाने वाला है। शायद इससे सुनहरा मौका हमें नहीं मिलेगा। चीफ, वर्सोवा के माधव मच्छी वाले को भी जैकपॉट के जाल में फंसा दिया गया और उसे भी अभी मौत की धमकी दी गई। पैसे तैयार है तो, लेकिन आपने तो आदमी नहीं भेजा ना अभी तक। भेज दिया है? हाँ तो ठीक है, दे देता हूं ना। माधव खोली। हाँ, हमारा लेटर। इस फॉर्म पे जल्दी साइन कर दो और 25,000 सर्विस चार्ज दे दो। कल तक तुम्हारे अकाउंट में $5,00,000 आ जाएंगे। 25,000? मैंने पहले ही तुम लोगों को 50,000 दिया है तुम्हारा सर्विस चार्ज, और मुझे ये जैकपॉट का इनाम नहीं चाहिए। तुम लोग मेरा 50,000 मुझे वापस दो वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगा। एक तो जब देखो नए नए आदमी भेज देते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
$5,00,000 का इनाम? मिल जाएंगे। पहले प्रोसेस में ₹50,000 और स्पॉट के साइन। जग्गू बोल क्या हुआ? अरे विमला पाटिल ने पैसा दिया कि नहीं दिया? दे दिया। वेरी गुड, चल आ जा इधर ही आ जा। हाँ चल 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 रहा यार चल। आधा पाली क्या हुआ रे? ये माधव मछुआरे ने दिया पैसा? दे दिया। चल सही है। किधर है तू? आ गया है? आ जा चल आ जा। ए भाई लोग देख, अभी विमला और माधव ने पैसा दे दिया है। अभी इन लोग का काम ना तमाम करना पड़ेगा। ठोक डाल कर ठपाक। बस गुड। अगर नहीं किया ना काम खत्म। वाह मेरे शेरों वाह। अबे दिल खुश कर दिया भाई तुमने, बड़ा काम किया इन लोग ने। एकदम भाई समझा। अबे क्या हुआ, इतना बड़ा काम किया है उसके बाद तेरी बत्ती क्यों बंद है? क्या हुआ रे? अरे क्या हुआ, निकालना माल। समझदार लोग। क्या शर्ट में छुपा है? शर्ट में छुपा है। आजा। तुम लोग इतना अच्छा काम करके आए हो, हमारे दिमाग का बत्ती क्यों गुल है? क्या हुआ? क्या हुआ, माल किधर है? उन दोनों बॉम्ब्स का रिमोट मेरे पास है, एक बटन दबाते ही तुम लोगों के चीथड़े उड़ जाएंगे, इसलिए मेरी बात सुनो। ड्रॉप योर गन्स फास्ट।
तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। चलो तोते की तरह बोलना शुरू कर दो, बोलो। मैं अफ्रीका में नौकरी करता था, वहां दो तीन नाइजीरियन मेरे दोस्त थे, वो सब इसी तरह का इंटरनेशनल काम करते थे, लोगों का नकली आईपी एड्रेस बनाकर और क्लोन से नकली सिम बनाकर लोगों को मेल और मैसेज करते थे, बहुत सारा पैसा कमाने का लालच देते थे और फिर उनसे सर्विस के नाम पर पैसा वसूलते थे। वहीं से मैंने सारा काम सीखा, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हो पाया और फिर मैं यहाँ आ गया, यही मुझे हंसराज मिला। शंकर का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने अपना थोड़ा प्लान चेंज कर दिया। हम सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाते थे जो अकेले रहते हो, जो पैसों के बड़े लालची हो, और ख़ास तो उनका किसी न किसी के साथ झगड़ा चल रहा हो, ताकि शक की सुई उन पर उठे, हम पे कोई शक न करे। जितना पैसा हम उन लोगों से निकलवा सकते थे निकाल देते थे, और जब उनसे खतरा महसूस होता था तो उन्हें हम मार देते थे। तुम लोग हर बार पब्लिक में से किसी एक नए नंबर का इस्तेमाल किया करते थे, ये तुमने किया कैसे? इसके लिए अपने आदमियों को बाहर से बुलाते थे ताकि यहाँ की लोकल पुलिस उनको अपने रिकॉर्ड में ढूंढ ना सके। सर, हमारा नेटवर्क सारे हिंदुस्तान भर में फैला हुआ है, सारे लोगों की बस एक ही कमजोरी है, फटाफट मिलने वाला पैसा या इनाम। हम लोगों ने उसी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया। मधुसूदन मेहता, डॉक्टर सलाउद्दीन और स्वाति, इन तीनों से कितना पैसा लिया था तुमने? मधुसूदन से हमने 2 लाख रुपए लिए थे, स्वाति जरूर थोड़ी चालाक थी, उसने हमें सिर्फ 50,000 रुपए दिए, और डॉक्टर से हमने 1 लाख रुपए लिया। हमें पता चल चुका था कि तीनों ने पुलिस के पास जाने की प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि उन तीनों के पास हमारे आदमियों के नंबर्स और उनके हुलियों की फाइल बना के रखी थी उन्होंने, इसलिए हमने उन तीनों को मार डाला और फाइल को वहां से उड़ा लिया। जिस जैकपॉट के जाल में तुमने निर्दोष लोगों को फंसाया, आज उसी जाल में तुम लोग खुद फंस गए। तुम्हारा गैस वाला और ये पोस्टमैन दोनों ही बड़े कमजोर निकले, दो हाथ पड़ते हैं, मैं सीधा यहां लेकर आ गया। पैसों के लालच में तुम लोगों ने जो ये घिनौने अपराध किए हैं, उन अपराधों के लिए कानून चाहे तुम्हें कितनी भी कड़ी से कड़ी सजा क्यों न दे, लेकिन वो तुम जैसे अपराधियों के लिए कम ही होगी। अब कमांड फोर्स पुलिस के साथ मिलकर पूरे देश में चलने वाले तुम्हारे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेगी, उसे खत्म कर देगी। कम से कम मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिलता है तो इंसान अपने दिमाग से सोचना बंद कर देता है और लालच में बह जाता है, और यही इंसानी फितरत का कुछ लोग फायदा उठाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि आप जिंदगी भर कड़ी मेहनत से कमाई आपकी सारी पूंजी लालच के भंवर में गंवा बैठते हैं, और कभी कभी जान से हाथ धोने का भी मौका आता है। जल्द से जल्द अमीर बनने की सोच रखना यह कोई गुनाह नहीं, लेकिन इसी सोच के बहाव में बिना सोचे अपना सब कुछ दांव पर लगा देना ये एक तरह से गुनाह है, क्योंकि आपकी यही सोच शंकर और हंसराज जैसे गुनहगारों को बढ़ावा देती है, और इसीलिए लालच की चिकनी सड़क पर चलने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि मंजिल से पहले ही फिसल कर गिरना तय है। मेरी इस बात को याद रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।